सुखबीर बादल वालों कल कहा गया कि जिहड़ा मोहल्ला क्लीनिक ने जगह ही बदली आ ते सारा बिल्डिंगां हुई ने जगह बदली आ। बड़ा अच्छा सवाल किया सुखबीर बादल जी। मैं कहना चाहना सुखबीर बादल जी, तुसीं बनाए सीगे सुविधा केंद्र ते बनिया कि उहदे विच मझां बहिंदियां सी, कुछ कोहे दे ढेर लगे सीगे, तुसीं क्यों नहीं मेनटेन कर पाए? सरकार का पैसा सी, वह सुखबीर बादल का पैसा नहीं सी, वो पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा सीगा, वो लोगों के टैक्स का पैसा लग्या बेकार पिया सी, उन्होंने असं इस्तेमाल कर लिया। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, नॉट के सुखबीर बादल की प्रॉपर्टी है। जिहड़ी भी लोगों के टैक्स चो चीज़ बनती है वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। जिहड़ी मौजूदा सरकार है वो मान सरकार है, भगवंत मान साहब की सरकार, उन्होंने फैसला किया कि जिन्हें बेकार पे टुटे फुटे सुविधा केंद्र सके वो ठीक करके उत्थे मोहल्ला क्लीनिक जिहड़े वो बनाए जा रहे हैं। सो यह एक वेस्टेज जिहदी कोई वैल्यू नहीं पाई अकाली दल सरकार के टाइम जिहड़े बने सी, उत्थे गूड़े गोहे के ढेर लगे पे ने, वारा पशु मरे हुए डंगर पे ने जी, कुछ भी नहीं। उन्होंने दोबारा जिहड़ा जी मोहल्ला क्लीनिक के रूप के कित्थे उत्थे बीमारियों का घर सी और कित्थे हुण उत्थों इलाज होगा जी, ये सोच का फर्क है। क्यों सुखबीर बादल साहब उन्होंने सोच डिफरेंट है, साड़ी सोच डिफरेंट है, तो उन्होंने गल कही है, ये उन्होंने सवालिया निशान है कि सुखबीर बादल साहब तुम चीफ मिनिस्टर थोड़े फादर साहब रहे, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो, पर तुम इन्ना पैसा वेस्ट करके उन्होंने तो कख नहीं लिया और असी उस पर थोड़ा जहा होर पैसा ला के असी उतों सेहत दिन सुविधा देनी वो लावे। सुखबीर बादल ने कहा कि 13,000 का पिंड ने 75 चलूगा। सुखबीर बादल साहब पता नहीं कि स्कूल च पढ़े है जी, ये मतलब कि गल् करते हैं, उन्होंने पता नहीं जी पोलीटिकल लाइन के बच्चे ने शुरुआत होंगी है जी, एक तो शुरुआत होंगी है ठीक है जी, फिर दो फिर तीन, असं 75 तो शुरू कर रहे हैं। साडा स्वतंत्रता दिहाड़ा जिहड़ा आ रहा 75 साल हो गए अपने मुल्क आजाद होने, असं उत्ते 75 मोहल्ला क्लीनिक जिद नाभा का भी एक मोहल्ला क्लीनिक ऐड है तो असं उहदी जिहड़ी है ओपनिंग कर रहे हैं। इस तो बाद सुखबीर बादल साहब नूं मैं याद करवाना चाहुंदा, असी अपनी कंपेन के साडे चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी, कन्वीनर आम आदमी पार्टी और मौजूदा साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान होरी, असी सारे जिन्हें MLA बने असी ये कहिंदे सीगे और सानू ये गरंटी जी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान साहब ने दी सी कि 16,000 इकाइया ने पंजाब च, इकाइया का मतलब पिंड ते शहरां दे वार्ड मिला के 16,000 बनदे, असी 16 दे 16,000 इकाइया दे विच असी अपना जिहड़ा हैल्थ सिस्टम वो स्ट्रोंग करांगे। सो उहदी इक शुरुआत आ, अग्गे देखो बहुत कुछ होया, कोविड दौरान पंजाब जाए लोक कौन कहते जी सुखबीर बादल, सुखबीर बादल साहब ज़्यादा सियाने ने जी, हुण इन्हां तों कुर्सी चली गई, इन्हां नूं सारा कुछ नज़र आउण लग गया, जदों कुर्सी ते बहिंदे सी ना इन्हां नूं बंदी सिंघां दी रिहाई नज़र आउंदी सी, ना इन्हां नूं SYL नज़र आउंदा सी, ना इन्हां नूं चंडीगढ़ पंजाब दा नज़र आउंदा सी, अन्ने होए हुए सी, पैसा इकट्ठा करदे सी, अपने सिस्मा फार्म बना लिया, अपना पता नहीं वह की बना लिया, इन्हां ने अपना सुख विलास बना लिया, सिस्मा फार्म भी इन्हां दा ही है, कैप्टन बादल इकट्ठे ही ने जी, देखण नूं लगदे अलग अलग, तो इन्हां ने इकट्ठा सारा कुछ लुट्टिया पंजाब नूं। कहण दा भाव यह है कि ये जिहड़े लोग ने ना जी, ये लोग जो कुर्सी पर बहिंदे आ तो फिर इन्हों लोग छोटे छोटे नज़र लग आने लग जाते, फिर पंजाब के लोग इन्हों नज़र नहीं आते, पर जो एक कुर्सी लह जाती है जी फिर इन्हों याद आ जाता, ओहो साडा तो आ जिहड़ा मकसद बनता सीगा। सो इन्हों गल तो ग्रेज़ करना चाहिए और राजनीति दे विच मैं इस गल का हामी भरदा कि अगर तुसीं पोलोटैक्निकल जिहड़ी नवीं पोलीटिक्स आ रही है ठीक है ना, उहदे विच अगर तुसीं एडजस्ट होना सुखबीर बादल साहब तो थोनू अच्छे काम की एप्रीशिएशन करनी पैनी है और जिथे कोई कमी पेशी है थोनू तर्क नाल दसना पैना, कल्ला बयान अखबारों में छपन नाल नहीं ला पोलीटिक्स चलती, थोनू दसना पैना और थोनू जवाब भी देना पैना कि इस लैवल ते क्यों पहुंची, क्योंकि पहला तुसी राज करके गए। सो इस करके ये जिन्नी मर्जी गल्ला कर लैने ते इन्हां दी गल दे विच दम नहीं है। तुसी कहे जी जिहड़े लुट्टिया सुट्टिया गा जिवें कांग्रेस दे मंत्री अंदर कीते ने, की लगदा आने वाले टाइम च सुखबीर बादल वी अंदर हो सकदा? 101% होएगा जी, जिन्हें किया उहनू भरना पैना जी, जिन्हें पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा लुटिया, चाहे वह सुखबीर बादल है, चाहे वह अकाली दल का कोई होर लीडर है, चाहे कांग्रेस है, जिन्होंने भी किया काम उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई करेंगे। बिजली से भी उन्होंने तंज कसा कि कंडीशन इस तरह की रख दी कि किसी तो पूरी नहीं होनी, 300 यूनिट सुखबीर बादल साहब कह रहे हैं, पता नहीं जी जिन्होंने 300 यूनिट मुफ्त मिलूगी उन्होंने पुछो ना, वो चेहरे पर रौनक आ गई, उन्होंने तो हौसला बढ़ गया कि सरकार साड़ी बांह फट रही है। तो सुखबीर बादल को भी जे थोड़ू लगता कि कितने कमी पेशी है इतना करो, पहले तो अपनी जी खेतों जो ट्यूबवैल जिदा मुफ्त बिजली थोड़ा आँदी है पहले तो वो छड़ो ठीक है ना जी, फिर तुम जी थोड़े घर आऊगी वो छड़ो, लिख के दो पंजाब दो जवाब इस गल का कि ट्यूबवैल से असी बिल भरेंगे जी,
सुखबीर बादल अपने खेतों जी आँगी ना जो पॉलिसी चंकी नहीं लगती ठीक है ना जी 300 यूनिट आऊगी इन्ना इन्ना को इन्ना इन्हों के उत्थे भी आऊगी वो भी माफ छड़न भी असं नहीं करते ये गल्लां ने जी मैजिक पंजाब के लोगों 70% लोगों 70-80% लोगों इस गल का फायदा हो रहा कि 300 यूनिट तो लैके 600 यूनिट 2 महीनों के पंजाब के लोगों को फ्री मिल रही है वह इन्हों तो हजम नहीं जी होंगी डॉग टेस्ट चल रहे हैं ज़्यादातर कैदियों जोड़े दो टेस्ट पॉजिटिव आ जा रहे कि नशा जो जेल के अंदर भी बिल्कुल बड़ा गंभीर विशा है। मैं पिछे जे साढ़े जेल मंत्री हरजोत बैंस साहब ने मिलया सी मैं उन्होंने बेनती भी की कि तुम नाभे का जनाबे जी जेल उन्होंने विजिट करो नाभे की जेल के बहुत व्डे व्डे जड़े आ गैंगस्टर भी ने व्डे व्डे क भ्रिष्टाचारी भी बैठे ने इनकलूडिंग साधु धर्मसोत कि तुम आओ विजिट करो और जोड़ा ड्रॉप टेस्ट के नशे का सेवन होना वो कितना कितने मैं समझना कि बाकी सवाली निशाना यदि प्रॉपर घोख करके जिहड़े भी दोषी ने चाहे वह प्रशासन होवे चाहे वह कोई बाहरों अंसर कोई शरारती हो सख्त तो सख्त कार्रवाई जी की जाएगी।